नमस्कार मास्टर रुचि नंदिनी, आज आपको ऐसी कन्याओं के बारे में बताना है या फीमेल्स के बारे में बताने जा रही हूँ, लड़कियां जिनकी विवाह नहीं हो पाया है, 30-35 साल की हो गई हैं या उसमें अड़चने आ रही हैं, योग नहीं बन रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो क्यों लेट होता है, क्यों लेट हो रही हैं शादी में, क्यों देरी हो रही है। पहले हम ये जानते हैं क्योंकि कन्याओं की विवाह के लिए गुरु जो है वो कारक ग्रह है। अगर आपके गुरु कुंडली में गुरु ठीक नहीं है, बृहस्पति ठीक नहीं है, तो आपका विवाह में लेट होगा और या फिर मतलब दिक्कतें आएंगी। लेकिन जिन लोगों के पास कुंडली है वो अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि गुरु ठीक स्थिति में नहीं बैठे हैं, कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। जिनके पास कुंडली नहीं है वो लोग किस तरह से जानेंगे, ये मैं आज आपको बताने चाहती हूँ कि वो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो उन कन्याओं के माता पिता ये देखें कि क्या वो घर में बड़ों की बात या सलाह को नहीं मान रहे हैं या नहीं मानती हैं, ये उनका नेचर है, या वो बड़ों का आदर नहीं करते, ईश्वर में उनकी आस्था नहीं है, या पूजा पाठ सबको ढकोसला समझते हैं। अगर इस तरह के विचार हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उनका गुरु बृहस्पति ठीक नहीं है। जरूर कोई पाप ग्रह बैठा है या सप्तम में बैठा है या गुरु पे उसकी दृष्टि पड़ रही है। अगर ऐसा है, ऐसी स्थिति है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला कि आपको बृहस्पतिवार के दिन सुबह से नहा धो के पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, पीले रंग का उपयोग करना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। उस दिन आप व्रत में सुबह से फल वगैरह ले सकते हैं। शाम को जब आप खाना खाएं, अलूने मतलब बिना नमक के व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस खाना खाने में जब आप बैठे तब सबसे पहला जो ग्राही है, सबसे पहला जो निवाला है वो मीठा लें, बेसन का, जैसे बेसन का लड्डू खा लें, बेसन का हलवा, शीरा, मिठाई, कुछ भी आप बेसन का पहला बाइट मीठा ले लें। उसके बाद आप अपना नॉर्मल सात्विक भोजन कर सकते हैं, नॉनवेज नहीं, सात्विक भोजन कर सकते हैं। इस तरह आप बृहस्पतिवार का व्रत करें। उस दिन आप गुरु की एक माला करें, हल्दी की माला पे जप कर सकते हैं, बीज मंत्र का पीला आसन रखें। और जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, जिनकी कुंडली है, जिनकी कुंडली नहीं है, उन सभी कन्याओं को कुछ दिनों के लिए काला, नीला, ग्रे ये कलर्स छोड़ देने चाहिए। आप पीला कलर का यूज ज्यादा करें और अच्छे शुभ रंगों को पहने, वो आपको बहुत फायदा करेगा। इसके साथ आप एक और चीज का ध्यान रखें कि आपको अपने माता पिता, बड़ों की सलाह, गुरु और ईश्वर, इनमें अपना विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने गुरु को खराब करते हैं। देखिए, गुरु सिर्फ शादी का कारक ग्रह नहीं है, वो आपके बिजनेस, आपके नौकरी, आपके विद्या, कई चीजों से जुड़े हुए हैं, धन से भी जुड़े हुए हैं। तो आप अपने बृहस्पति को खराब कर रहे हैं इस तरह से, तो आप ऐसा ना करें। एक आखिरी और बहुत अचूक उपाय मैं आपको बताऊंगी। आप सभी शनिवार के दिन तांबे के लोटे में जल लें और उसमें 2 चम्मच शक्कर डालकर, काले तिल डालकर पीपल के पेड़ पे चढ़ाएं जड़ में, और उसके बाद पीपल के पेड़ के जड़ को नीचे झुक के प्रणाम करें, हाथ जोड़े और प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे जो भी अनिष्टकारक ग्रह हैं, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, जो भी ग्रहों की बृहस्पति पे दृष्टि पड़ रही है, मेरे विवाह में जो भी कारण है विलंब होने का, आप उसे दूर करें, मुझ पर कृपा करें और शीघ्र मेरा विवाह करें। इसी के साथ मैं अस्ट्रोलॉजी नंदिनी आप सबको मंगल विवाह की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 2 बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार
बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी देर ना करें। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।